मैंने यहाँ पे अभी पूजा कर ली है और अभी मैं पूजा करके चुकी हूँ। अभी यहाँ पे सब फैला हुआ है, अभी मैं इनको संगवाऊंगी और बस अभी पूजा करके जस्ट उठी हूँ। तो बस मैंने कहा सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अपनी पूजा आप लोगों के साथ इसलिए नहीं शेयर करती, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि अपनी पूजा ना दिखाया करो, पूजा नहीं दिखाते हैं, तो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ अब दिखानी बंद कर दी है मैं कैसे पूजा करती हूँ। तो बस मैंने आप यहाँ पूजा करके अभी चुकी हूँ, अभी 8:30 बज चुके हैं। हाँ तो काफ़ी देर की हो जाती, मैं थोड़ी देर बैठ गई थी तो फिर उसके बाद मैंने पूजा करी थी, क्योंकि करते करते थक जाते और मेरा सारा मॉर्निंग की क्लीनिंग तो हो गई है, देखिए सारी हो गई है ये किचन वगैरह। अभी बस काम चालू होगा, अंदर बच्चे हैं, अंदर का कमरा भी थोड़ा फैला हुआ है, उसे मैसी है, उसको साफ करूंगी क्योंकि अभी बच्चे सोए हुए थे तो उनको रह रहे हैं। और ये कमरा अभी मैंने कल लाई थी ना, ये अभी मैंने अभी नहीं संगवाई थी, तो बाद में ना मेरा काम करने लग गई थी, उनको कुछ खाना बनाने लग गई थी, तो मेरा फिर बाद में मन नहीं करा, तो मैं इनको कपड़ों को या तय करूंगी। अब मैं इनकी वो साड़ी वगैरह लगाऊंगी, कल आप लोग दिखाई थी तो बस मैं वहीं से ही स्टार्ट कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर में करूंगी। अभी पहले मैं चाय वगैरह पीऊंगी, चाय पीऊंगी थोड़ी सी और थोड़ा और काम करूंगी तो उसके बाद दिखाऊंगी। तो आप लोग और मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, मैंने आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोला, स्टार्टिंग से बात ही करने लगी, गुड मॉर्निंग और कैसे हो, वेलकम टू बैक माई चैनल, तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ, तो मैं ये बस ऐसे ही ना मैंने स्टार्ट कर देता, मैंने कि चलो स्टार्ट कर देती, थोड़ा सा पूजा वगैरह दिखा देती, ये सब चीज़ हो चुका है मेरा, अब मैं आगे काम करूंगी। काफ़ी देर की हो गई पूजा तो मेरी, वैसे देर काफ़ी देर की हो गई थी, मैं बैठ गई थी, मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, दिखा देती हूँ हाँ मेरी पूजा वगैरह। और देखिए जो मैंने कल कलर करा था, देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया, जो मैंने हीना लगाई थी ना, देखिए बहुत अच्छे एकदम कलर आ गए, बहुत ब्लैक हो गई थी एकदम में, व्हाइट से हो रहे थे ग्रे, देखिए एकदम सारे अच्छे कलर आ गया इससे, बहुत अच्छा। तो चलिए करते हैं अब काम, वही अपना वही मॉर्निंग का सारा रूटीन डेली का जो रहता है वही काम होता है, घर में काम यही होता है जो भी होता है, लेकिन मॉर्निंग का सारा यही काम होता है जो भी है, भाई चाय बनाओ, खाना बनाओ, बर्तन मांजो, कपड़े धो, यही काम है सारे दिन का, और कोई काम तो है नहीं है ना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, और अभी मेरा सिलेंडर भी नहीं आया है, अब मेरा सिलेंडर जब आएगा जब काम होगा अच्छे से, नहीं तो इसमें ना काम भी कुछ ज़्यादा होता भी नहीं है। तो चलिए कर लेते हैं जो भी है, जैसे इंडेक्स पे खाना तो बन रहा है ना, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और यहाँ कपड़े वगैरह मेरे साथ धुल गए हैं, तो मैंने यहाँ वॉश करके सुखा भी दिए हैं कपड़े, तो यहाँ पे सुखा दिए और पीछे भी सुखाए, मैं पीछे भी दिखा, तो यहाँ पे भी मैंने कपड़े सुखा दिए और वहाँ पे भी दोनों जगह सुखा दिए, अब सूख जाएंगे आराम से, यहाँ पर सब सूख जाएंगे आराम से, मैं इतने भी काम करूँगी इतने सूख जाएंगे, क्योंकि कल बारिश आ गई थी, कल बारिश भी हो गई थी तो मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो मैंने आज सुबह सुबह ही डाल दिया था, मैंने कहा जल्दी से सुबह ही डाल देती हूँ, नहीं तो फिर सूखते नहीं है, रखे रहो इनको है ना, तो मैंने डाल दिया, क्योंकि मशीन तो खराब हो गई है, मैं तो हाथ से ही धोती हूँ, तो मैंने सुबह जल्दी ही कर लिया था, मैंने कहा जल्दी से कर लेती हूँ, आप लोगों से शेयर नहीं करी तो कोई बात नहीं, क्या शेयर करना, कपड़े वगैरह धोना कोई शेयर करने वाली चीज़ नहीं, कोई चीज़ हो तो वही शेयर भी करें, कपड़े वही है सबको आते हैं धोने, वैसे ही कपड़े है ना। तो चलिए करती हूँ, अब चाय पी लेती, बहुत बातें कर ली आज मैंने, करती नहीं हूँ मैं बातें है ना, तो मैंने कर ली अब बातें, देखिए अब मैं आपको उजाले में दिखा दे, कितना अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छा कलर आया है इससे हीना से, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अच्छी लगी है हीना, तो चलिए कर लेते हैं काम, काम तो चलता ही रहेगा, ऐसी बातें तो होती रहेगी। चलिए तो फ्रेंड मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू, जो कि सेंधा नमक और काली मिर्ची, क्योंकि आज एकादशी है तो भगवान जी के भोग के लिए मैं इसको बना रही हूँ यहाँ पे, तो मैंने इसमें सिंपल बना रही हूँ, आलू है मैंने, आलू डाल दिए, काली मिर्ची और सेंधा नमक, और कुछ नहीं डाला, बस इतना ही कुछ डाला है मैंने, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसको मैं थोड़ी देर ढक के रख दिया और इस पर पानी डाल दिया, जिससे कि ये जले ना आलू, तो ये आराम से हो जाएगा, और इंडेक्स पे ही बन रहा है। तो गाइस यहाँ मैं बना, तो फ्रेंड यहाँ बना रही हूँ मैं खीर, ये सामक की खीर है बना रही हूँ, ये बनी आई है, मैंने इसमें चीनी भी डाल दी और फूल मखाने डाले, इसमें मैं डाल दूंगी इलायची और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है, इनको मैं भी तोड़ूंगी, काजू और बादाम इनको तोड़ूंगी, उनको डालूंगी मैं उसमें, तो कर लेती हूँ। और ये केले लिए मैंने, अभी बिकने आए थे यहाँ पे, केले लिए थे 6 केले लिए, आलू भी लिए हैं, आलू लिए, टमाटर लिए, और मैंने इस खाने में बनाने के लिए पत्ता गोभी की सब्जी काटी है, आलू और पत्ता गोभी की सब्जी बनाऊंगी मैं यहाँ पे, तो चलिए इनको डाल देती हूँ। और मेरे यहाँ पे आलू भी बन चुके हैं जो मैंने बनाए थे,
भाई ये गुड़िया खातर भी तीन दे दे, तू मैं खुला दे दूं गुड़िया का, ये बुढ़िया का, बुढ़िया ने भी दे ले ले तू भी। कौन कौन खड़े हैं? मम्मी ने पापा ने कह रहे मम्मी को कि तू भी ले ले भाई बुढ़िया ने 8 रुपए में देखो ना ये बुढ़िया ले 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 मैं दे रहा हूं बाद दे अरे ले अरे बहुत है इनफ है इनफ है चल मम्मी एक दूसरे कलर का ले लो ऑरेंज कलर का ले ले ये और एक ही तो वो एक ही बात हो भाई बात फिर आजा डाल लगू वही बात। अभी ना देखो बहुत तेज धूप निकली हुई थी तो अभी एकदम से मौसम खराब हो गया सारा बहुत तेज। अभी थोड़ा सा सही सा हो, पहले से थोड़ा सा सही होया लेकिन आंधी तो अब थोड़ी सी बारिश वगैरह की टप टप होने लगी है तो अभी एकदम से मौसम खराब हो गया था तो सारे कपड़े सूखे नहीं थे तो सूख जाते बहुत अच्छी तरह से। तो बस इतना करवा पागल किसको फोन कर दियो ना वो तो जैसे मद्रास से बोल नहीं निकल मेरे दे देती ये तो बोल ही नहीं बोलता अच्छा ऊपर वाली गाया ये लीक तो नहीं है ले पानी डाल तो चेक कर दे हां क्योंकि वो वाला सी लीक लीक हो गया बदन नहीं उठा सकते गौर मिसेस मैसेज आ रहे हैं डिलीवर मुझे डिलीवर दिखा रहा है सिलेंडर नहीं आया वो को कस्टमर केयर पर करेगा वो दूसरा में है फ्रेंड मुझे अब टाइम लगा है अपनी साड़ियों को संगवाने का तो मैं अब तय कर रही हूँ इन साड़ियों का साड़ियों की तय कर रही हूँ अब ये सारी फैली पड़ी है और मैं इनको कर रही हूँ तय और लाइट भी जा चुकी है यहाँ पे तो मैं आराम से बैठ के इनकी तय वगैरह कर लेती हूँ जो तय है उनको ऐसे ही रख दूंगी जो नहीं है उनको देख देख के रख दूंगी तो चलिए मैं करती हूँ इनको कर लेती हूँ मैं थोड़ी देर इनको अब करती हाँ तो गाइस ये आप लोग ना मेरी ये वाली साड़ी बताना कैसी है तो देख लेना आप लोग मैं बता दूँ ने मुझे बहुत परेशान करा बहुत ज़्यादा परेशान करा इसके लिए मैं पूरी भिवाड़ी में ही घूम आई हूँ लेकिन ना मुझे बगल की बगल में मिल गया मैं गई तो वहाँ पर मिल गया और ये मुझे पहननी भी थी और पहन भी नहीं पाई इस चक्कर में तो गाइस ये चुन्नी बताओ कैसी है मेरी और ये 2 साल हो गए इसको रखे रखे पर मैंने इसको एक बार भी नहीं पहना आप लोग बताना कैसी लग रही है ये चुन्नी तो आप ज़रूर बताना कैसी लग रही है और किस सूट के ऊपर डालूं मैं क्योंकि ऐसा कलर का सूट तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो आप कलर ज़रूर बताना किस कलर के ऊपर ये चुन्नी चलेगी तो मैं उसके साथ ही इसको लगाऊंगी चुन्नी को आप लोग ज़रूर बताना कैसी लग रही है ये चुन्नी पता है मेरी काफ़ी साल से रखी रहती है साड़ियाँ चुन्नियाँ बस रखी रहती है ब्लाउज वगैरह नहीं सिलवाती तैयार नहीं करती धरी रहती है ये मेरी सबसे बड़ी कमी है मैं आप लोगों को खुद ही बता रही हूँ ये कमी है ओ माय गॉड
पता ना कैसा खुल रहा है, देखिए गाइस ये पता नहीं कैसा खुला, मैं बहुत देर से खोल रही हूँ इसका, पन्नी वन्नी सारी अलग हो गई। तो इसमें मैंने डाल दिया ऑरिगेनो, टमाटर और हरी लाल मिर्ची टेस्ट के अकॉर्डिंग, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, बस यही डालूंगा। और थोड़ा सा डालूंगी अजवाइन, अजवाइन से बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ये ना बाई वगैरह नहीं करती, तो अजवाइन भी डाल दी। और एक डाल दूंगी मैं इसमें चिली फ्लेक्स, ये खुल जाएगी बहुत अच्छे से। चलो खुल गई है तो ये डाल। तो गाइस यहाँ मैं पेस्ट बना लूंगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, तो मैंने यहाँ पे ना पानी डाल लिया थोड़ा सा, तो अभी इसी तरह इस तरह का पेस्ट बना है, तो मैं इसमें और पानी ऐड करूंगी अभी, थोड़ा थोड़ा करके डालना क्योंकि एक साथ नहीं डालना, क्योंकि पता नहीं लगता कि कितना पतला चाहिए कितना पतला, अपनी अकॉर्डिंग रख लेना, कोई ज़्यादा पतला लेता है कोई ज़्यादा गहरा नहीं लेके, एक ना टाइम तक ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा पतला भी अच्छा नहीं होता, तो इस तरह से ये हेल्दी भी होता है बहुत ज़्यादा। वेजिटेबल है इसमें, टमाटर आप और सब्जियाँ डाल सकते हो इसमें, जैसे शिमला मिर्ची और कैप्सिकम वगैरह, कैरेट वगैरह जो भी डाल सकते हो, ओनियन वगैरह जो भी डाल सकते हैं, क्योंकि ओनियन हम खाते नहीं है तो हम ओनियन वगैरह नहीं डालते। तो ये बन चुका है देखिए पेस्ट, एक मैं आपको दिखाती हूँ किस हद तक बनाया मैंने। और इसको जब भी बनाते हो ना इसको एक साइड में घुमाने चाहिए, क्योंकि इससे ना बहुत ही अच्छे चीले बनते हैं और ये फटते भी नहीं। इस तरह से बना देखिए, अभी मैं स्पून से दिखाती हूँ आप लोगों को, तो इस तरह का ये पेस्ट बना लेना। अगर आप इससे ज़्यादा पतला करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मैं इतना ही रखती हूँ। तो फ्रेंड ये तवा गर्म हो चुका है, तो मैंने इस पर रिफाइंड लगा लिया, तेल लगा लिया, घी लगा लिया, जो भी है आप है ना वो लगा सकते हो, जो आपकी चॉइस है, इसमें कुछ वो नहीं है। तो यहाँ मैं इसको फैला दूंगी, ये बनके तैयार हो चुका है गर्म गर्म चीला। तो आप लोग भी आ जाइए, बच्चों को दे रही हूँ मैं।